Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. आ चुके हैं नीचे जहाँ पे लैंडिंग होती है। पंकज अगेन ज्वाइन अस। इतनी दूर आए हैं तो यार दो तीन वीडियो तो बना ही ले। तो अभी एक फूड का शूट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा कैफे है, वो रेस्टोरेंट है। तो वो अगर आप देख सकते हो वहाँ पे कैंपिंग साइट है, वहाँ पे हमने जाना है। पैदल ही जा रहे हैं हम। नॉर्दर्न कैफे करके है जहाँ पे लैंडिंग साइट है, वो लोकेशन है। अगर आप आते हो, ये द मंक का चैनल तो नाम है वो। देखो मंक्स भी दिखे, तो देखो सामने आ रहे हैं। कैफे का रास्ता है ये, जो मेन मार्केट आती है बीच से, वहाँ से टर्न है लेफ्ट साइड में। ये तो हम पहुँच गए हैं, ये रहा नॉर्दर्न कैफे। Now we reached. Welcome, glad you are here. ये रहा नॉर्दर्न कैफे। देखो इन्होंने साइट सीइंग भी बना रखी है पूरी, प्रॉपर कैंपिंग करवाते हैं। बहुत ही अच्छा कैफे है सीरियसली। रिच डैड पूअर डैड। और अगर आपको जिम करना है तो यहाँ पे जिम का भी सामान रखा है, गर्मी लग रही है उसका भी मिल जाएगा आपको इधर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसकी भी बना दो थोड़ा, तुम्हारे पास कोई पकड़े ना बस। इसने बॉल पकड़ी है। तो नॉर्दर्न कैफे में जो इनके फेवरेट था, एक तो सिड्डू है और दूसरा था इनका कौन सा था, तुड़किया भात करके है। तो वो इनकी हिमाचली डिश है जो फेमस है। सिड्डू होगा, तुड़किया भात, और थर्ड वन कौन थी सर? हमारा नॉर्दर्न का बहुत ही अच्छा पिज्जा है, नॉर्दर्न स्पेशल डिलाइट पिज्जा। ओके, नॉर्दर्न स्पेशल डिलाइट पिज्जा है जी। तो मतलब पिज्जा तो चलो हमने खाया ही है, लेकिन इनका कुछ डिफरेंट है वो भी ट्राई करेंगे। और नॉर्दर्न सिग्नेचर फ्राइड राइस भी हमारा, नॉर्दर्न। ये कैंपिंग साइट्स है इनकी बनी हुई है नॉर्दर्न कैफे की। तो यहाँ पे आप आके आप कैंपिंग का भी इंजॉय कर सकते हैं। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। ये सारी कैंपिंग साइट्स है इनकी। वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह सब चीज़ों की यहाँ पे है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपको किसी चीज़ की ढूंढने की जरूरत है, प्रॉपर कैंपिंग साइट बनी हुई है। ये देखो सिटिंग बहुत अच्छी है, व्यू भी देखो, वो देखो व्यू कितना अच्छा है। अराउंड यहाँ पे 6 से 7 कैंपिंग साइट्स हैं। तो हम ऊपर जा रहे हैं, जो हमारा जो ब्रेकफास्ट है ऊपर सिटिंग है बहुत अच्छी, वहाँ पे व्यू भी अच्छा है। तो यहाँ पे लोकल पूछा गया कि हम शूज़ नीचे क्यों निकाल के जाते हैं। तो बेसिकली के कह रहे थे, पंकज भाई बता रहे हैं, तो देवता वगैरह होते हैं ना, देवता तो इसलिए जूते बाहर ही, तो इनके कई देवता होते हैं कुछ हो, तो इस करके इनका ये लॉजिक है, मतलब इनकी मानना है कि वो जूते नीचे ही रखे तो देवता को खुश करने के लिए होता है कि वो नाराज ना हो, इसलिए शूज़ वगैरह नीचे निकाल कर जाया जाता है। तो ऐसी क्या कहते हैं, पर फिर भी चलो अब ऊपर चलते हैं। ये है सिटिंग्स,
ये अंदर भी सिटिंग है इनकी, ये सिटिंग बहुत अच्छी है, पूरा मिट्टी का बना हुआ है ये। क्रीम पेस्ट है ये, और तो कुछ जो हिमाचली ट्रेडिशनल टाइप होता है वैसा बनाया गया है। ये आ गया इनका स्पेशल पिज्जा। इनकी बनाना फ्लैक्स करके करूंगा, ये टेस्ट करूंगा मैं। ठीक है, तब ओवरऑल रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग विद इन 5 में से मैं 3.5 बन चुका है। अब बताइए ये अच्छा था? उतना अच्छा था जितना वो बेकार था। हाँ। So now I'm trying to new dish of Himachal. सिड्डू कहते हैं इसको। इसमें क्या बीच में स्टफ है? स्टफ क्या करते हैं? स्टफिंग है। क्या करते हैं? किस चीज की स्टफिंग है वैसे? दाल है, दाल, दाल, दाल है, दाल है, बेसिकली दाल है। ये है देसी घी, ये देसी घी है, और ये भी देसी घी में है। चटनी टाइप है कुछ। पहले मैंने खा रखा, टेस्ट अच्छा है। ये देखो भी गार्लिक ब्रेड इनके। ये मगरमच्छ ने मुंह खोल लिया, मगरमच्छ ने मुंह खोल लिया इसका। ऐसा मुंह बंद करो, अब इसको, अब असली मगरमच्छ आ गया। गई ये खाया, देखो ये गया। तो यहाँ चलते हैं अब। फूड अच्छा था, फीडबैक तो मैंने आपको दे दी 1x1। तो आप करो एंजॉय। बाय बाय।